गुरु सवारी सत संगत जियो। कल संध्या दे दीवाना विच धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे चरणा दे विच भगीरथ सतगुर सचे पातशाह जी दे चरणा दे विच योगी राज भरथरी निम्रता सहित पुछदा है। भरथरी श्री गुरु नानक पातशाह जी नूं बेनती करदा, हे सतगुर सचे पातशाह जी, किरपा करके मैनू ये दसना करो कि मन निर्मल किमें होवे, मन नूं निर्मल करन दा साधन दसो। फिर ये जिहड़े सिद्ध ने ये प्याला पी लेंदे आ, चौकड़ी मार के बह जांदे आ अखां बंद करके, ते कहिंदे अनाहद शब्द सुणदे आ, मैनू इहदे बारे भी दसना करो कि सच्चा प्याला किहड़ा है। फिर कहिंदे सतगुर सच्चे पातशाह जी मैनू ये भी दसना करो कि वैराग हिरदे दे विच दृढ़ किवें होवे, क्योंकि बिना वैराग तो हिरदे दे विच परमेश्वर दे प्रति प्रेम जागृत नहीं हुंदा। धन साहिब श्री गुरु नानक देव सचे पातशाह जी दे चरणा दे विच भरथरी ने जदों साध संगत जी यह पुछना कीता ते सतगुर सचे पातशाह जी किस तरह उहदे सवालां दा जवाब दे रहे ने, इतिहास दीआं सत्रां जो खुलासा करदीआं, आओ अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लईए, एकाग्रता बनाईए ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। सो मैं कहे तुम्हारे अगारी, उत्तर दी जय हृदय विचारी। ओही दो सवाल जो मैं नारद मुनि नूं कीते सी, ओही सवाल मैं तुहानूं कर रहा। किरपा करो, मेहर करो, मैनू इन्हां सवालों का जवाब देना करो।
श्री नानक बच कहे गुण साने, सुनो परथरी परम सियाने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने बचन परथरी नू कहने आरंभ किते, जिहड़े के ज्ञान युक्त सन। वचन कीता, हे परम विद्वान परथरी, अपने कीते हुए सवालों का जवाब हुण तू सुन। निर्मल मन बिन भगत सो नाही, अवै यथार्थ साची प्राही। अर्थात ये जड़ा मन है ना, जो विषय विकारां दा भरिया होया है, भगती तो बिना निर्मल नहीं हो सकता। इस मन नूं निर्मल करन दा सब तो सौखा तरीका है भगती करनी। ते भगती दी आरंभता हुंदी ही सांस संगत जी विनम्रता तो है, जदों ये अहंकार त्याग दिंदा है। जदों तक ये अहंकार नहीं त्यागदा, इहदी भगती भगती नहीं मन्नी जांदी। भावें सारी उम्र ला देवे, भावें जन्मां दे जन्म ला देवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करदे, हे भरतरी, जिस तरह कपड़ा मैला है उहनूं आपां साबुण दे नाल धो लैंदे आ, उह कपड़ा साफ हो जांदा। इसे तरह ये जिहड़ा मन मैला विषयां ते विकारां करके, ये नाम परमेश्वर दा सिमरन बंदगी जो भगती है ना, उहदे नाल ये मन दी मैल दूर हो जांदी है। मोत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईए उह धोए, भरिए मत पापां कै संग, उह धोपै ना वै कै रंग। कि जिहड़ी ये मत अर्थात मन मैलेगा, ये भगती दे नाल निर्मल हो जांदा। इसलिए हे भरथरी, मन नू निर्मल करन दा सब तो सौखा साधन है परमेश्वर ईश्वर दी भगती करना। मन निर्मल नह जोग बहिना, तांते भगत जोब शुभ कीना। आपां कल सुनिया सीगा कि भरतरी कहिंदा, सतगुरु जी ये मन है ना जिहड़ा, ये मन ये योग तो बिना निर्मल नहीं हो सकता। इन्हें ही कहा सी ना कल, ते मैं सब तरह का योग साधिया, औखे तो औखा योग साधियागा, मेरा मन नहीं निर्मल होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, योगी राज ये गल ठीक है कि मन निर्मल योग करके होएगा, पर योग केड़ा होना चाहिए ये भी तो पता हो। तुरेगा इंसान पहुंच जाएगा हरिमंदर साहिब, ये गल ठीक है, पर कला तुरना ही ठीक नहीं हैगा जब तुरे दिशा भी हरिमंदर साहिब दी होवे। ये ना होवे कि हरिमंदर साहब तो उल्ट दिशा वल तुरे, फिर किवें पहुँचेगा? तुरन दे नाल पहुँचेगा, पर पहुँचेगा तां जे मूँह हरिमंदर साहब दे वल कीता होएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, राजन भगती योग ही सब तो श्रेष्ठ है, योगां दे विचों भगती योग सब तो श्रेष्ठ है। जे भगती योग करिए ते मन निर्मल हो जांदा है। चाहत जे गत जग मन ज बिचछण, इस संसार दे विच अगर मनुख मोक्ष चाहुंदा है, अपना पार उतारा करना चाहुंदा है, सो अस तरत योग के लक्षण, जेड़ा फिर असी योग दसे ना उनू धारण कर देगा। ये केड़ा योग दसा गुरु नानक पातशाह ने? भगती योग।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ? ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੜਾਵੋ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਰ ਮਨੋ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਧ ਪਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਓ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਯ ਰਸ ਭੋਗੰ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਓ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਲਵੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਪਣਾ, ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠੂਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣ ਮਾਨਣਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧਕ ਹੋਵੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੂੰ 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 ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ, ਪੰਜ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਲਾਲ ਲਏ, ਲਾਲ
हीरे मोतियां तो महंगे लाल होंदे आ, कॉस्टली होंदे आगे। अजकल तो साध संगत जी देखने नूं नहीं मिलते, पुरातन समय च लाल होंदे सन। दो लाल लैके सुनियारे नूं दिते, उन्हां दे साध संगत जी दो मुंदरां दो कांटे दो बालियां बनाईयां कन्नां च पाउण वास्ते, जिन्हां नूं हिंदी विच करण फूल कहिंदे आ। फुल जदों कथा समाप्त होई, राजे ने वह दो मुद्रा उस महापुरशां दे अगे रख दित्तियां। कहिंदा राजन ये की है? कहिंदा महाराज तुसीं कन्नां दे विच बालियां पाईयां होईयां ने, मुद्रा पाईयां, ये फैशन नूं ही पाईयां, पर ये दो कोडियां तुसीं पाईयां होईयां, एक कोडी इधर पाई परो के, एक कोडी इधर पाई परो के। तो मैं सोचा कि रब का दिता बहुत कुछ है, तुहानू मैं गुरु के समान मानता हाँ, तो मेरा गुरु होवे कोडियां दी मुंदरा पावे, मेरा गुरु होवे तो फिर लाल जड़े ने हीरे ने उन्हां दी को मुंदरा पावे, इस करके मैं लै गया। तुसी फैशन वास्ते पाया कर, सोहने लगी ता ही पाई तुसी बालियां कन्नां च। कहिंदे राजन तो गल नहीं समझिया, साढ़े गुरु ने सानू सिख्या दित्ती, तो वक्त खीरे जदों उन्होंने अपना शरीर त्याग ना, तो सानू पता की क्या सी, बच्चा ये संसार के जिन्हें भी रिश्ते नाते जिन्हें भी भोग विषय ने ना, दो कोडियां दे बराबर नहीं है, दो कोडियां दे बराबर भी नहीं है। इन्हां विच चेतना लाई, इन्हां विच मोह ना पाई, केवल परमात्मा च मोह पाई। दसो सतसंग जी गल किहदे लई माड़ी हैगी, किसे लिए माड़ी है? हिरदा केवल परमेश्वर नूं देना है, होर किसे नूं नहीं देना गा। इन्हां नूं तो साडे शरीर दी लोड़ हैगी, हिरदे विच किसे नाल मोह करो ना करो, प्यार करो ना करो, इन्हां नूं की पता है कड़ा अंतरजामी ने, जां मैं कड़ा अंतरजामी हाँ। हिरदा परमेश्वर नूं देना। साडे गुरु ने कहा सी, बच्चा आ जिहड़े संसार दे भोग ने दो कोडियां दे बराबर नहीं हैगे। कहिंदे सानू साडे गुरु की गल भुल ना जावे, इस करके असी ये कन्ना च पाए हुए ने गे, फैशन वास्ते नहीं पाए। श्री गुरु नानक पातशाह जी बचन करते, राजन ये जिहड़े कन्ना दे विच तो मुद्रा पाईयां होईयां ने ना, असली मुद्रा गुरु का शब्द है। हुण भगत योग की हुंदा है? गुरु नानक पातशाह ये भरतरी नूं दसदे आ भगती योग की हैगा। कन्ना दे विच मुंदरा अर्थात गुरु दा शब्द खिंथा खिमा हडावो, जिहड़ी गोदड़ी है ना गोदड़ी, वो तेरी सहनशीलता हैगी, जिन्ना तू सह लो में उन्ना ही हैगा। जो किछ करै भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। रब जी जो भी करदा ना किंतु परंतु नहीं करना गा, वो ईश्वर जो भी करता है किंतु परंतु नहीं करना, सिर्फ उदे भाणे दे विच चलना है। वो जो कर रहे उन्हें करी जाना है। अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की रजा दे विच चलना है। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, मुखो सत नाम जपिए, उदा भाणा मिठा कर रहिए, मुखो सत नाम जपिए, इस तरह चलना है। कहिंदे जो किछ करें भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। निध कहिंदे खजाना, तेनू सहज दा खजाना मिल जाएगा, तेरे मन दे विच सहज आ जाएगा। बाबा जुगता जियो जुगै जुग जोगी, परम तंत मह जोगं। जिहदी सुरत उस परमेश्वर नाल जुड़ जावे, उन्हों योग की प्राप्ति होगी, युगा युगों के मनुख हमेशा आनंद की अवस्था के हैगा। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं। अमृत नाम अगर इस तरीके दे नाल चलेगा तो उन्हों परमेश्वर के नाम की प्राप्ति होएगी। परमेश्वर के नाम की प्राप्ति साध संगत जी कोई किसी नूं नहीं करा सकता, गुरु दे दसे उपदेश दे अनुसार चलेगा तो अपने अंदर ही हो जाएगी। दुध रिड़कदे हाँ, दुध रिड़कदे हाँ,
तरीके ना रिड़कते हैं, जाग भी लग्या होया सी, लोड़ पैण ते थोड़ा थोड़ा कोसा पानी पाउने आ ना, ते थोड़े जे समय बाद घंटे डेढ़ दो घंटे बाद विच मक्खण आ जांदा है। और मक्खण कितने सज्जे खब्बे तो थोड़ी आएगा, जब मक्खण पाया जाता है वह तो दुध दे विच ही हैगा। सिर युक्ति दे नाल मेहनत की है, युक्ति साडे बजुर्गों ने दसी है, मेहनत असी की तो मक्खण आ गया। ये तो नहीं कह सकते कि दो घंटे रगड़न तो रिगड़न तो बाद फिर मक्खण विच पाया जाता, मक्खण तो उहदे विचों प्रगट हुंदा है, तेरे अंदर ही सारा कुछ हैगा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहिंदे ओ पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तेरे अंदर ही है। पहुप माहे जो मद बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खुज उपाई। कहने जिमें फुलां दे विच खुशबू, शीशे दे विच तेरा अक्ष तेरा परछावें गा, एवें ओ परमेश्वर तेरे अंदर है, घट ही खुज उपाई। अंदर देख बाहर भीतर एको जानो, एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा जीना मिटै ना भरम की काए। कहने जो परमात्मा गुरुद्वारे मंदिरों के भी धार्मिक स्थानों के विच है ना, उही तेरे हिरदे दे विच है। सिर गुरु के उपदेश के अनुसार तू उन्हूं खोजना कर। रहाओ शिव नगरी मैं आसन बैसो, कल्प त्यागी बादंग। तुसीं वेख्या होएगा हिंदू मत दे विच इक बहुत सत्कारयोग है मनुख, उहदा नाम शिवजी है। वह जिते भी फोटो बनेगी ना उहदी, मसाणा दे विच बनाउंदे ज़्यादातर लोग, जां पहाड़ां ते बनाउंदे है। इहदी मूर्ति भी बहुत शमशाना विच लाउंदे है, क्यों उत्थे कोई बहुते आउंदे नहीं, लोग बंदगी कर सकदा, बंदा नाम जप सकदा। पुरातन समय दे विच बहुते संत महात्मा रहिंदे शमशाना च हुंदे सीगे, क्यों लोग डरते शमशाना भी जाते ही नहीं, इन्हों डिस्टर्बिंग नहीं होंगी सी हुंदी, तो ये शब्द जपी जाते सीगे। कहिंदे असली शिवजी का आसन की हैगा, शिव नगरी मैं आसन बैसो, कल्प त्यागी बादंग। अर्थात किसी दे नाल भी कोई भी किसी तरह का वाद विवाद ना कर, आनंद दे नाल रह, निरसंकल्प रह, उस ईश्वर नू चेते रख, समझ तेरी सब तो वड्डी समाधि है। तू जंगलों दे विच बह के नाम जपदा पिया है, उहदे बराबर है। रह संसार च ही, घर परिवार च ही रह, कम धंधा कर, कोई चक्कर ही नहीं हैगा, पर किसी दे नाल सिर ना डा। ठेका थोड़ी लिया सी लोगों नू समझाउण दा, ड्यूटी करो बस अपनी, परसनल कोई आंदा उहनू दस दिओ, पर किसी नू समझाओ ना, कॉमन गल कर दिओ, वो तो बाद जे किसी लोड़ है गल करे तां जवाब दो, नहीं तो सत्संग जे अपना मस्त रहो, किसी नाल वाद विवाद नहीं करना चाहिदा गा। कहिंदे समझो ये तेरी समाधि लगी हुई है। सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एहनस पूरै नादं। योगियों को एक साज हुंदा है जिहदा नाम सिंगी है, बड़ी वधिया इहदे नाल धुन निकलदी, आवाज़ निकलदी है। कहिंदे ये अनाहद शब्द की आवाज़ है। सतगुर सच्चे पातशाह जी बचन करदे है, योगी राज सिंगी सावध सदा तुन सो है, अहनस पूरा नादंग। जद तू इस तरीके दे नाल शब्द जपेगा, उस शब्द दे नाल तेरी सुरत जुड़ गई, तो यह जिहड़ी सिंगी है जिन्ना चिर फूक भरदे है उन्ना चिर ही बोलती है। कोई भी साज है जिन्ना चिर बजावांगे उन्ना चिर ही बजेगा, बाद चो बंद। पर जो परमेश्वर दे शब्द दा साज है ना, उदी आवाज़ ठाकुर हमरा सद बुलंता। परमेश्वर दा साज एक बार सुन गया सां संगत जी, फिर हमेशा ही, ये नहीं कि वध घट हो जाएगा परमेश्वर दा शब्द दा, जो सुन रहे उदी अरेंज वध घट जाएगी ना, परमेश्वर दा नाम सदा ही फिर सुनेगा इनू। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं। कहिंदे सिमरन करना परमेश्वर दा ही इहदी असली पत है, ते परमेश्वर दे नाम दा ज्ञान दा विचार करना ही डंडा है। योगियों कोल डंडा भी हुंदा ना। वर्तमान विभूतंग अर्थात हमेशा वर्तमान दे विच रहे, ना बतीत समय बारे सोचे, ना आने वाले समय दे विच सोचे, केवल वर्तमान विच वरते, तो समझो इन्हें असली विभूत लाई हुई है।
इस पिंड सभा मल लेंदे योगी कहिंदे हमेशा ही उस परमेश्वर दे ध्यान दे विच, क्योंकि परमात्मा हमेशा वर्तमान दे विच वर्तदा है, ना पहला ना बाद चों। तो जे ये मनुख भी पिछला ख्याल छड़ देवे, आने वाला ख्याल छड़ के केवल वर्तमान दे विच वरते, तो सांस संगत जी इनू परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज कहिंदे यही असली पिंडे ते विभूत लानी है, सुभा मलनी है। हर कीरत रह रास हमारी गुरमुख पंत अति तंग, हर कीरत रह रास हमारी, परमेश्वर का नाम जपना ही मेरी रोहरीति है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन चरित्र है। गुरमुख पंत अति तंग कहिंदे रब दे प्यारियां दे नाल मिल के उस ईश्वर नू जपना, उस रस्ते ते तुरना ही अतीत है। सगली जोत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं, हर एक दे विच उस परमेश्वर नू देखे कि अमीर कि गरीब, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कोई गृहस्थी कोई संत, जो भी है हरेक दे विच परमेश्वर नू देखे। बस कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लेव एकं। श्री गुरु नानक पातशाह जी बचन करदे हे परथरी, योगी असली ओ है जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे विच ध्यान जोड़दा है, ये भगती योग हैगा। ये सत संगत जी कौन नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। गुरु दे शब्द दी विचार करनी है, हर समय करन दी कोशिश करनी है। गुरु जदों उपदेश करे बड़े श्रद्धा ते बड़े प्रेम दे नाल सुनना है, ते अपनी सुरत नू उस परमेश्वर दे नाल जोड़ के रखना है। सारिआं दे विच उस ईश्वर नू देखण दी कोशिश करनी, यही भगती योग हैगा। चौपाई ऐसो जोग जे नर जगतारै मन की सगली मैल निवारै। पहला सवाल किया सी उन्हें कि मन निर्मल किवें होवे, मन दे विच जो विषयां दी मैल खत्म किवें होवे। तां श्री गुरु नानक पातशाह जी बचन करदे राजन असी तैनू जिहड़ा ये दस्या ना भगती योग, जिहड़ा भी इस भगती योग नू अपना लैंदा है उहदे हिरदे दे विच विषयां दी जिहड़ी मैल है ना सारी दूर हो जाती है। पुन जो प्याला तोहे बखाना सो अब कहो सुनो दे काना। दूजा सवाल उन्हें किया सी प्याले दा कि सिद्ध शराब दा प्याला पींदे है, चौकड़ा मार के बह जांदे है, कहिंदे सानू अनाहद सुनदा है। तो दूसरा जिहड़ा सवाल प्याले दा किया सी, हुण ओह तू सुन एकाग्रता दे नाल। आसा महला पहला, आसा राग दे विच सतगुरु जी बचन करदे है, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कस करनी कस पाइयै, पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुवाइयै। जो शराब बनाते गुड़ दी बनाते हैं, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन पता की करते, राजन शराब बनानी है ना, तू जिहड़ा भांडा लैना गा, ये जिहड़ा तू भांडा लैना ना शराब बनाउण दे वास्ते, पाठी भवन प्रेम का पोचा अर्थात अपने हिरदे दा भांडा लै, इहनू प्रेम दा पोचा ला चारे पासे। जिहड़ा गुड़ पाउणा हैगा, शराब बनाउण लई गुड़ पहला पाउंदे है, गुरू दे द्वारा मिलिया होया जिहड़ा ज्ञान है ना हिरदे दे विच पा, इह असली गुड़ पाउणा हैगा। कस कहिंदे करनी कस पाई है, उस तो बाद जिहड़े किक्कर दे दरख्त दे सक पाउंदे हुंदे ने, सक पाउणा है, तेरी करनी तेरे चंगे काम होने चाहीदे है, ये किक्कर दे सक ने गे। ये सिद्ध जिहड़ा शराब दा प्याला पींदे ने ना, इहदे नाल मत वजदी है, इहदे नाल मत खराब हो जाती है, इहदे नाल परमेश्वर भुल जाता है। कहिंदे मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए। अर्थात जिन्हों पीण दे नाल बंदे नू सुध बुध भुल जाती है,
बरल कहिंदे हंकार अपने दिमाग दे विच आ जांदा हैगा। अपना पराया ना पछाणे खसमों धक्के खाए, जदों शराब पी लैंदा फिर इहनूं पता ही नहीं लगता अपने बगानियां दा की बोलना की नहीं बोलना, क्योंकि नशे च हुंदा हैगा। ते सतगुरु जी बचन करदे ऐसा मद मूल ना पीचै जेका पार वसाए, कहिंदे अगर तू भव सागर तो पार होना चाहुंदा है तो यह शराब नहीं पीनी। जित पीतै खसम विसरै दरगाह मिलै सजाए, कहिंदे इहनूं पी के तो रब भुल गया तो दरगाह दे विच सज़ा मिलती है। नानक नदरी सच मद पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए। शराब पीवो पर कीड़ी है जिहड़ी गुरु नानक पातशाह जी ने बचन की सत संगत दे विच आके शब्द दे नाल जुड़ो, उस शब्द दे विच जो तुहानूं आनंद मिलदा वो असली प्याला है। नानक नदरी सच मद पाई है सतगुर मिलै जिस आए, सदा साहिब कै रंग रहै महली पावै थाओ। कहिंदे फिर जदों इह जा प्याला पी लेंगा ना तो जिथे भी रमेंगा जिमें भी रमेंगा तेरी सुरत उस रब जी दे नाल जुड़ी है, तू हमेशा उदे नाल जुड़िया रहेगा, उदे चरणा दे विच रहेगा। साध संगत जी ये सतगुरां ने कहा प्याला पीण दा। कहिंदे राजन ये जदों तू पीवेगा बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवै सहज रंग रच रहे आ। ये जिहड़ी मन दी मत है इहनूं छड्ड दे, जदों तू गुरु दे दसे हुए तरीके दे नाल प्याला तैयार करेगा शराब तैयार करेगा तो फिर तू सहज दे विच आ जाएगा। ये एक प्याला पींदा एक घुट पींदा मन दे विचों आवाज आती होर पा अंदर, ये होर पाँदा फिर भड़की लगती होर पा होर पा होर पा, एक समय यह जा आंदा प्याला चकण की ताकत नहीं रहिंदी, सुध खत्म हो जाती है, शरीर निडल हो जाता है, प्याला डिग जाता है। तो साध संगत जी ईश्वर के नाम का प्याला ये मत मारदा नहीं, ये मत कायम करदा है। जो परमात्मा के नाम का प्याला है सतगुरु जी बजन करते हैं बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै, कहिंदे ये दूजी मत छड़ दे, हरी दे नाम दा रस भी फायदा की है सहज रंग रच रहे आ। तू सहज दे विच आ जाएगा, ईश्वर दा कीता होया तेनू चंगा लगेगा। अहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। दूजी संसारी शराब पी के जिहड़ी मर्जी शराब होवे पी के गुरु प्यारी साध संगत जी फिर की इहनूं कुछ सुणदा, इहनूं कुछ नहीं सुणदा। परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा प्याला पींदा तां अनाहद शब्द अर्थात हर समय उस ईश्वर दे ध्यान दे विच रहिंदा है। अनाहद शब्द सुनन वालिआं दा जीवन किस तरह दा, जे सानू कोई पुछ लवे बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी पंज प्यारे चार साहिबजादे साध संगत जी जिन्हां ने बंद बंद कटाए चरखियां ते चढ़े खोपरियां लुहालियां बंद बंद कटवा ले, ये हैगे है अनाहद शब्द सुनन वाले। श्री ननकाणा साहिब दे विच गुरु दी आन बान वास्ते जिन्हां ने शरीर त्याग दिते ये हैगे अनाहद शब्द सुनन वाले। ऐसा सतगुरु जी कहिंदे प्याला पीओ, रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसै प्याए जाको नदर करे। ये जड़ा प्याला सहज दा कहिंदे उहनूं नसीब हुंदा है जिहदे ते रब जी किरपा कर दिंदे हैगे। अमृत का वापारी होवै क्या मद छूछै पाओ तरे। हुण वपारी हीरे मोतियां दा, वह हीरे मोती छड के कच क्यों कट्ठा करूगा, सोना छड के लोहा क्यों कट्ठा करूगा। कहिंदे अमृत का व्यापारी होवै अर्थात परमेश्वर दे नाम नूं छड के संसार दे विषय भोगां दे विच ए खाण पीण दे विच क्यों खचत होवेगा। क्या मद छूछै भाउ तरै, ये सारे मद सारे नशे छूछे ने बेकार ने। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया।
कहिंदे अमृत बाणी है गुरु की, जिन्हें गुरु की बाणी नूं हिरदे दे विच धारण कर लिया अर्थात गुरु के शब्द के अनुसार जीवन बतीत किया उहदा जीवन सफल हो गया। दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है क्या करें, अर्थात जिन्हों ईश्वर के दर्शन हो जाए सां संग जी वो मुक्ति थोड़ी लभदा गा, उस कोई सचखंड जा स्वर्गा नूं नहीं लोचदा। राजना चाहू मुक्त ना चाहू मन प्रीत चरण कुमलारी, सचखंड चाहिए ना जी स्वर्ग ना मुक्ति ना, मेरे तो सचखंड ही तुसी होंगे, तुहाडे चरण कमल ही मेरे सचखंड ने। गुरु घर कितने है जिथे गुरु चरण पा दे, नहीं हैगा कि वह कोई जगह जिथे आके गुरु बैठे उन्हू गुरु घर कहा जाएगा, नहीं जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। कहिंदे गुरु की कृपा हो जाती है जिदे ते फिर वह रिद्धियां सिद्धियां स्वर्गां नू मुक्तियां नू कदे भी इच्छा नहीं करता। सिफती रत्ता सद बैरागी जूए जन्म न हारै, ये फिर परमेश्वर की सिफती दे विच रत जांदा अर्थात लीन हो जांदा है, फिर कदी भी संसार के झूठे नशियां दे विच पै के अपना मनुखा जन्म बेकार नहीं करता। कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत तारै, इस तरीके दे नाल जिहड़ा मनुख उस ईश्वर नू जपदा अपनी सुरत नू जोड़ लैंदा है ते सतगुर सच्चे पातशाह जी बचन करदे है हे परथरी ओ मनुख अपना जीवन सफल कर बैंदा है। हुण पहला सवाल सी मन निर्मल किवें कीता जावे भगती योग द्वारा, दूजा सवाल सी कि सिद्ध प्याला पी के अनाहद शब्द सुनदे है वह प्याला की है, तो सतगुरां ने दस्या प्याला है की हैगा। बड़े प्रेम दे नाल बड़ी निम्रता दे नाल परमात्मा दे चरणों विच तरले जोदड़ियां करदा होया जो जपदा है वह सांस संगत जी फिर इन रस प्राप्त हुंदा है। आओ करो कृपा सारिया संगतां, वाहे गुरु 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 राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावड़े आईया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सब ना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे सदा सिवत साला तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। सदा गुरबान कीता गुर विठो जिसियां ए वड़िया। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सभागै।
पंच दूत तदवास कीते काल कंटक मारिया कह नानक तैसुक होआ तित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।